माशाल्लाह आप देख सकते कितनी खूबसूरत मीनार है, मस्जिद का कलर है अमेजिंग। और हम अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये 300 साल पुरानी मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद इसको कहा जाता है। तब से है ये इधर कब्रिस्तान आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, देख सकते हैं गाइस, तो वो दूर तक एक मज़ार है इसमें छोटे से। ये साइडों में गाइस यहाँ पर कुछ लोग झोपड़ियाँ डाल करके रह रहे हैं, छोटा सा रास्ता बनाया गया है और मस्जिद का व्यू देखने से ही बनता है। मैं आगे की तरफ चलता हूँ। जो पिलर है मतलब फूल पत्तियों की डिज़ाइनिंग सुपर अमेजिंग से बोल देना भाई मतलब। और अभी इसमें काम चल ही रहा है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं आप मशीनें वगैरह रखी है, यहाँ पर अभी काम चल ही रहा है। और ये ऊपर जीना है ऊपर जाने के लिए, जो कि क्रॉस है, जाने सकते हो। यहाँ पर मक्का काबा शरीफ का छोटा सा ढांचा बना करके रखा गया है गाइस। ये मक्का काबा शरीफ का छोटा सा जो ढांचा है वो यहाँ पर बना के रखा गया है माशाल्लाह से। अभी तो वहाँ तक छूने का अलग ही फील आता है इसे छूने में। पर कुछ छोटे कुछ नहीं, अरे भी उर्दू मुझसे आती नहीं है वरना तो मैं ज़रूर पता। इसमें लिखा गया है शायद कन्वे वगैरह लिखे हुए होंगे। और कैसे अगर आपको पता क्या लिख रहा है तो यार आप खुद बता देना। गुंबा के देख सकते हो गाइस आप, गुंबा के ये मक्का काबा शरीफ का छोटा सा ढांचा यहाँ पर बना के रखा है, वो भी बोर्ड से। सुभान अल्लाह, और ऐसे बड़े बड़े बैनर्स यहाँ पर रखे हैं। यहाँ पर कुछ लिखा है गाइस, ये देखिए पढ़ सकते हैं। ज़ियारत हज़रत अली अकबर, अस्सलामु अलैकुम रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम याकूब ने नबी अलैह, अस्सलामु अलैकुम कि याकूब ने अमीर मेमोरी अली। बस यहाँ पर पुराने लोगों के नाम लिखे गए हैं। सिपाही इस्लामिक किताबें यहाँ पर रखी हुई है, वो रखी हुई सामने। और यहाँ पर मदरसे में पढ़ाए जाने वाले टेबल, नमाज का टेबल वगैरह है। बैनर आप देख सकते हैं उर्दू में। माशाल्लाह, ये पुराना फोटो है एक हमारे लखनऊ का, बहुत पुराना। लाइटिंग पड़ रही है इस पर थोड़ी तो इसकी वजह से क्लियर नहीं दिख पा रहा, लेकिन देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा था पहले भी, बहुत ही पुराना। 1245 सवाब अजीज फातिमा हैदर अमरोही भी, मतलब ये हमारे जिले अमरोहा का उनका इसलिए बहुत पुरानी मंजिल की फ़ोटो पब्लिक इफ़र्ट, ये सन 2008 और सन 2009 की है। तो फाइनली गाइस हम पूरी मस्जिद लगभग नीचे की ओर से घूम ही चुके हैं और चलते अभी हम बाहर चले गए। और बताना गाइस कि आपको हमारी ये ब्लॉग कैसे लगा और हमारे लखनऊ की आपको जामा मस्जिद कैसे लगी। तो वीडियो पसंद आई तो साहब हमारी मस्जिद पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो तो आपको वीडियो कैसे लगी, और शेयर कर दो घर दबा के, और यार सब्सक्राइब करना करना बोले चैनल को। तो उतर रहे हैं फाइनली अंदर यहाँ से, और जितना भी एरिया था एकदम परफेक्ट माइंड ब्लोइंग बना हुआ था। तो हमने देख चुके हैं स्मॉल सीरीज एंड मतलब नाइस व्यू। अभी हम लोग जाने वाले हैं छोटा इमामबाड़ा प्लस बड़ा इमामबाड़ा, और जाके देखें क्या हुआ। तो चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं छोटे इमामबाड़े पे, इसको क्रॉस जैसे ही करेंगे बड़ा इमामबाड़ा आ जाएगा। तो उधर से आ रही हैं सवारियाँ, हम जाएंगे इधर से बिना किसी वक्त के। और देख सकते हैं वो घंटा घर सामने छोटा मोटा, नहीं बुला लेंगे हम सबके पास। तो ये मतलब इमामबाड़ा इसलिए बना था भैया, अरे ना तो हमने भाई साहब पूछा था इमामबाड़ा किस लिए बना, तो उन्हें यही ना पता क्यों बना था।
पता नहीं क्यों बैठा था, वो चूचे आदमी था आए थे। और ये दुकानें बनी हुई है चारों साइड को, मतलब इमाड़े में, इमाम बाड़े में ही दुकानें बनी हैं। तो कम से कम 10-15 हज़ार साल पुरानी वीडियो बेबी आज ब्लॉग आई थिंक। ये छोटा इमाम बाड़ा होगा और ये बड़ा इमाम बाड़ा होगा। अभी तो पता नहीं कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, हम किसी से पूछेंगे तभी हमें कुछ पता चलेगा। बट इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा ना और कुछ तो बकचोदी कर रहे हैं बन भाई। भाई छोटे इमाम बाड़ा कौन सा बड़ा कौन सा? अच्छा ये छोटा है, वो बड़ा है आगे वाला है। और आगे इस फाटक के, हाँ हाँ वो आगे और दिख रहा है। अच्छा वो बड़ा है, तो हमने इन भाई से पूछा। भाई मतलब ये नवाबों के चोचले हैं, लखनऊ के जो नवाब हुआ करते थे वो होते तो थे लेकिन ये नहीं पता क्यों होते थे। बहुत ही सारे मुसलमानी इमारतें हिंदुस्तान के अंदर आपको काफ़ी देखने के लिए मिल जाएगी। अंकल जी ये कितने साल पुरानी होंगी इमारतें? अंग्रेजों के ज़माने के पहले थे। ओ भाई जहर, लगभग 500-600 साल चलिए लगता है अंकल जी को भी नहीं पता। हमारे घर में भाई साहब भी अलग ही समझ नहीं जाता है यहाँ पे, मतलब कुछ जहर तरीके से। और हम अंदर की तरफ चले थोड़ी सौ और घूमकर देख सकते हैं भाई बच्चा। चलिए गाइस अंदर जाने के लिए यहाँ पे हमें टिकट लेना पड़ता है, फिर यहाँ से हम लोग घुसेंगे। मतलब अलग ही व्यू, ये एंट्री गेट और इधर छोटा मोटा पार्क टाइप का। आप यहाँ पे आइएगा तो राज्य के उद्घान छोटा इमाम बाड़ा का यहाँ पर आपको बोर्ड मिल जाएगा देखने के लायक। यहाँ पर एक प्यारी सी खूबसूरत जो है साक्षी इमाम बाड़ा, ये देखिए। मतलब व्यू तो मतलब देखने से ही बन रहा है। मैं आपको छोटा सा लुकिंग वाला व्यू दिखा देता हूँ, ब्यूटीफुल व्यू। अगर आप लखनऊ आए और आपने ये चीज़ नहीं देखी तो मतलब आप लखनऊ नहीं आएगा। इस लखनऊ की आन बान और शान जिसे कहते हैं वो सिर्फ छोटा इमाम बाड़ा का। अभी हम लोग बड़े इमाम बाड़े में भी जाएंगे। यहाँ पर ये सब मतलब नवाबों दोबारा बनाया गया, इसी बीच में एक छोटा सा तालाब बनाया गया है काफ़ी खूबसूरत, मतलब जिसे देखने से अलग ही फील आती है यार। हम लोग बीच में से जाएंगे, सेंटर में से जाएंगे। चलते हैं गाइस और आगे की तरफ। ये चीज मैं भाई से बोला था, ये चीज और उन्होंने बोला एकदम कॉर्नर पे। मतलब उनको लगा कि मैं उनसे टॉयलेट के लिए बारे में पूछ रहा हूँ, इस तरह से बोला था ना ये चीज, तो उनको लगा कि मैं टॉयलेट के बारे में पूछ रहा हूँ। तो गाइस ये ब्रिज बनाया हुआ है क्रॉस करने के लिए, फिलहाल तो इसमें ताला दे दिया गया है लेकिन क्यों वो तो मुझे भी नहीं पता क्यों। खैर चलते हैं हम और आगे की तरफ। 50 रुपये का टिकट लिया है पूरा ही, मतलब वसूल करेंगे आप। और जो जिन नवाबों ने यहाँ पर बनाया था इसी कमरे हैं उनके लिए, अमेजिंग। आउट ऑफ इंडिया से भी घूमने आते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग, जैसे कि आपने अभी देखा मुझे भी। मैं वैसे फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, चारों साइड आप देख सकते हैं। फील यार अलग ही फील आता है, अलग ही फील आता है, सुपर। और बस तो ये चलो अंदर। यहाँ पर बीच में झालर लगाए गए हैं और एक फोटो पता नहीं कहाँ गई, लेकिन किस चीज़ की फोटो वो तो मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पे श्रृंगारदान गाइस, बहुत ही बड़ा श्रृंगारदान है ये। यहाँ पे काबा शरीफ पे ओके ओके जी जी सर बिल्कुल। ये छोटा इमाम बाड़ा है, इसको बादशाह ने बनाया है मोहम्मद अली का। ये 18
सो गाइस यहाँ पर वीडियो बनाना आउट नहीं है, लेकिन हम चोरी छुपे बना रहे हैं फिर भी माशाल्लाह से, देख सकते हैं आप। ये फारसी भाषा में लिखा हुआ, यहाँ पर ये दो समाधि है, बादशाह मोहम्मद निशाह और उनकी माँ। इनका कहना था कि माँ से बढ़कर कुछ, ये लाल घूमर है जर्मनी का और ये पीले लाल कहने क्या है चाहते हैं। इधर देखिए किनारे वाले ये हैं मोहम्मद अली शाह बादशाह, इन्होंने इस इमाम बाड़े को बनवाया है। इमाम होता है इनकी आचार्य। आइए मैडम, बड़ा इमाम बाड़ा भूल भुलैया इनके चाचा का बनाया। ये चित्र है कि पेंटिंग है? पेंटिंग पेंटिंग। और ये ताजिया है मूंग का, ये ताजिया है मूंग का। ये पहली मुहर्रम को आता है, नजदीक आ रहे कई बार। यहाँ पर आगे आ गया, हर धर्मपुर वासी माता देखते हैं, आप भी देखेंगे, छू सकते हैं मूंग का ताजिया। एक साल तक ये रखा रहता है, एक साल के बाद इसको मिट्टी में दफन करते हैं। और ये किनारे देखिए सामने, ये ताजिया है पीपल का, ये रखा है एक कॉर्नर का व्यू है। ऐसे ही हम आगे की तरफ जाएंगे, उस तरफ पर्दे लगाए हैं इन कमरों में, वरना तो मैं ज़रूर दिखाता हूँ। ये बंद भी है सब, अगर एक कमरा भी मुझे ऑन दिख जाता। छोटा सा रास्ता जा रहा है, नहीं ये बंद है तो छोड़ो, हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन मीनार तो हम लोग यहाँ तो घूम चुके हैं, चलते हैं हम बाहर की तरफ, बड़े इमाम बाड़े की तरफ, वहाँ देखते हैं क्या है। खूबसूरती की तो भाई इसमें कोई मतलब कुछ कह नहीं सकता, खूबसूरती के बारे में है कि मज़ा ही आता है, कुछ अलग ही मज़ा। शायद कुछ टूटे फूटे कमरे हैं जिसकी वजह से उधर टूटे फूटे कमरे गए, तो उधर जाना अलाउड नहीं है, सभी रास्ते बंद हैं उधर जाने के। तो हम बाहर जाएंगे, तो यहाँ से तुम लोग आ चुके बाहर, अभी हम जाएंगे बड़े जामबाड़े में, इधर सामने जामबाड़ा जैसे हमें बताया गया था। और गए अगर आप लखनऊ आए और आप यहाँ नहीं घूमे तो मतलब बेकार है आपका लखनऊ आना। लखनऊ आए आज जरूर घूमें। फाइनली गाइस चलते हैं हम बड़े जामबाड़े की तरफ, हमें जो बड़ा जामबाड़ा अंदर है ना, बड़े इमामबाड़े की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और लोकेशन तो वाइस आपको दिख रही होगी, मतलब अलग ही फील आता है। और इसको बिकॉज जो मैंने कुछ पूछा था किसी से, तो यार उन्होंने मुझसे कहा था कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहली बड़ी भी इमारतें हैं सब। और जैसे कि मैंने चोरी छुपे अंदर वीडियो बनाई है, उसमें अंकल जी भी कुछ बता रहे थे। और घंटाघर और इधर कुछ अंदर से जाएंगे तभी हम यहाँ आ पाएंगे। गाइस तो चलते हम आगे की तरफ, तो अलग ही फील है। तो गाइस अगर वहाँ ऊपर जाने का रास्ता मिला ज़रूर जाएंगे यार, बिना किसी बकचोदी के। तो यार मुझे ऐसे दिख चुका है गाइस, ताला लगा हुआ है गेट में, मतलब अंदर ऊपर जाना जो है ना वो अलाउड है ही नहीं। खैर कोई नहीं, ये ज़रूर नवाबों को रहने का कोई ठिकाना होगा घूमने के लिए, लाइक अपना टाइम पास करने नवाब जो यहाँ के थे जिन्होंने ये बनवाया था, उन्हीं का कुछ घूमने फिरने का यहाँ पर विवाह होगा। गाइस आपने गौर किया होगा तो सबसे ऊपर देख सकते हैं आप मीनार के, ड्रैगन लोहे की वहाँ बनाई गई है।
तो यार जैसे कि अलग ही फील आता है यहाँ आने के बाद में, लाइक ब्यूटीफुल मंजर, ब्यूटीफुल नज़ारा। हम उस गेट से आए थे और अभी इस गेट से जा रहे हैं। तो यार अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको हमारी जामा मस्जिद लखनऊ के तहसीमगंज में पड़ती है कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार और ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें देखने के लिए और ज़्यादा रहस्यमय चीज़ें देखने के लिए। तो मिलते फिर अगले किसी ना किसी नए व्लॉग के साथ, जिंदा धन्यवाद, बाय बाय।